तो आज के लेसन में हम बात करेंगे मेजर सेवन कॉर्ड्स के चार और नए शेप्स के। पिछले लेसन में मैंने चार शेप्स बताए थे, अब उसमें चार आप और जोड़ सकते हैं आज। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अभी के अभी और बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी। जो शेप्स मैं आज बताऊंगा वो होंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकेंड स्ट्रिंग पे और फर्स्ट स्ट्रिंग पे। तो 5, 3, 2, 1, तो इन चार स्ट्रिंग्स पे ही ये चारों शेप्स आएंगे और इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग इनमें यूज नहीं होगी। जब आप इनको प्ले कर रहे हो तो आप अपने थंब का यूज करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करने के लिए, तो नीचे की तीन स्ट्रिंग्स को प्ले करने के लिए आप अपना फिंगर्स यूज करेंगे। आज भी हम सी मेजर सेवन के ही वो चार नए शेप सीखेंगे। इस वाले केस में फर्स्ट शेप जो होगा वो होगा ये, जहां पे अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है 1, 7, 3, 5, मतलब कि रूट, मेजर सेवन, मेजर थर्ड और फाइव। इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं बट मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, ज्यादा सही रहता है बिकॉज बार करने से मतलब एक उंगली मेरी और खाली रहती है, जैसे कि ये खाली है कुछ और करने के लिए। फर्स्ट शेप हमारा ये हो गया 1, मेजर 7, 3 और 5। जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है आपको, आपको कॉर्ड टोन्स पता होने चाहिए जब आप कोई भी शेप याद कर रहे हैं कि कौन सा कॉर्ड टोन कहां पे है उसमें, उससे आपको फ्रेडबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ेगी। तो नेक्स्ट शेप हम जाएंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कॉर्ड टोन्स होती हैं वो नेक्स्ट कॉर्ड टोन पे जाती है, जैसे कि 1 अपनी नेक्स्ट कॉर्ड टोन पे जाएगी जो कि होगी 3, 3 जाएगी 5 पे, 5 जाएगी 7 पे और 7 जाएगी 1 पे। तो यहां पे ये 1 है जो कि है सी, तो सी अगर नेक्स्ट कॉर्ड टोन पे जाएगी तो वो नोट होगा ई जो कि उसका मेजर थर्ड है। तो सी गया ई पे, मेजर 7 जो बी था वो गया सी पे मतलब ई रूट पे चला गया, जो मेजर थर्ड था वो जाएगा फिफ्थ पे जो कि होगा ये जी, और जो फिफ्थ था वो जाएगा सेवेंथ पे जो कि होगा बी। तो जो शेप आएगा वो ये आएगा, जहां पे अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है मेजर थर्ड, रूट, फिफ्थ और मेजर सेवेंथ। सो 3, 1, 5, 7। नेक्स्ट शेप पे जब हम जाएंगे तो हमारा ये जो सब अपने नेक्स्ट कॉर्ड टोन से मूव करेंगे, तो अभी हम 3 पे हैं, फिफ्थ स्ट्रिंग पे थर्ड है हमारा, तो थर्ड जाएगा फिफ्थ पे जो कि हो जाएगा जी, उसके बाद जो रूट है वो जाएगा थर्ड पे जो कि हो जाएगा ई, जो फिफ्थ है वो जाएगा सेवेंथ पे जो कि हो जाएगा बी, और जो मेजर 7 था वो जाएगा रूट पे। तो शेप बनेगा ये। तो यहां पे जो कॉर्ड टोन्स हैं वो है 5, 3, 7, 1, 5, 3, 7, 1। अब नेक्स्ट शेप पे जाते हैं, तो हमारा जो फिफ्थ था वो जाएगा सेवेंथ पे जो कि होगा बी, अब जो हमारा मेजर थर्ड था वो जाएगा फिफ्थ पे जो कि होगा जी, बी था जो कि मेजर 7 है वो जाएगा रूट पे, और जो रूट था वो जाएगा थर्ड पे। तो शेप आएगा ये। क्विकली रन थ्रू कर लेते हैं। इस वाले शेप में अरेंजमेंट है 1, 7, 3, 5, इस वाले शेप में अरेंजमेंट है 3, 1, 5, 7, इस वाले शेप में अरेंजमेंट है 5, 3, 7, 1 और इस वाले शेप में अरेंजमेंट है 7, 5, 1, 3। अब इसकी एक और एनालिसिस कर लेते हैं। हमने पिछले लेसन में ये वाले शेप्स देखे थे, तो इन चारों में अगर हम जो फोर्थ स्ट्रिंग पे हमारा नोट है उसको अगर हम एक ऑक्टेव ऊपर कर देंगे तो हमें जो आज के चार शेप्स हैं वो मिल रहे हैं। जैसे कि इसमें अगर हम जो फोर्थ स्ट्रिंग पे नोट है जो फिफ्थ है उसको एक ऑक्टेव ऊपर कर देंगे तो मिल जाएगा ये, क्योंकि ये और ये नोट और ये नोट ऑक्टेव्स होते हैं। उसी तरीके से ये वाला शेप था, तो यहां पे जो ये नोट है फोर्थ स्ट्रिंग पे इसको हम एक ऑक्टेव ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा ये, तो हमें ये वाला शेप मिल जाएगा। फिर हमारा ये वाला शेप आया था, इसमें हम जो फोर्थ स्ट्रिंग पे नोट है उसको एक ऑक्टेव ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा जो कि होगा ये। उसी तरीके से यहां पर भी इस शेप में भी जो हमारा फोर्थ स्ट्रिंग पे नोट था ये उसको हम एक ऑक्टेव ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा ये।
पार्ट वन और पार्ट टू दोनों लेसन में जो शेप्स थे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो हमारी फोर्थ स्ट्रिंग पे नोट था फर्स्ट लेसन में, जो हमने सबसे पहले शेप्स कर रहे थे, वो सारे अपने एक एक ऑक्टेव ऊपर चले जाएंगे। तो आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।